नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सेजविन चिली सॉस। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैं सूखा लाल मिर्च ले रही हूँ। ये कश्मीरी सूखा लाल मिर्च है और ये लगभग 50 ग्राम का है। अगर आपका लाल मिर्च तीखा है तो उसका बीज निकाल लीजिए। और ये है कटा हुआ लहसुन 2 टेबल स्पून, ये है कटा हुआ अदरक 2 टेबल स्पून, और ये है सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और ये है वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून, और ये है सॉल्ट 2 टीस्पून, और ये शुगर 2 टीस्पून, और हम लेंगे कुछ ऑयल, और ये ऑयल हम लोग 3 टेबल स्पून लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते पहले हैं। से ही पानी हम गर्म करने के लिए छोड़ दिए थे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा सूखा लाल मिर्च, और अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसको अच्छे से भिगो लेंगे हम पानी में। और इसको ऐसे ही रहने देंगे आधा घंटा के लिए। इसको हम कवर कर लेंगे। आधा घंटे के बाद हम चेक करेंगे। 30 मिनट्स हो चुका है। देखिए रेड चिली कितना अच्छे से हमारा फूल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ग्राइंडिंग के जार में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही ग्राइंड करने वाली हूँ। अभी हम इसको कवर डाल के ग्राइंड कर लेंगे। हमें इस तरह से पेस्ट बनाना है। अब हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और चलिए गैस ऑन करेंगे। अब अच्छे से कढ़ाई को गर्म होने के लिए हम इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये अभी गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ऑयल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें सेजविन सॉस को थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए प्रिजर्व करके रखना है। देखिए हमारा ऑयल से अभी धुआं आने लगा है, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ लहसुन, थोड़ा डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिलाएंगे हम। अब क्या करेंगे, हमारा गैस हम लोग मीडियम करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। अभी हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन होने लगा है, गैस को हम लोग सिम कर लेंगे। फिर हम लोग इसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ अदरक। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, अदरक और लहसुन को इस तरह से। और थोड़ा सा भी गैस को हम लोग हाई करेंगे। अब हमारा लहसुन गोल्डन कलर हो गया है, हम इसमें अभी डालेंगे हमारा पिसा हुआ लाल मिर्च। पूरा लाल मिर्च डाल देंगे। उसके बाद उसको अच्छे से हम लोग अदरक लहसुन के साथ में मिला लेंगे। गैस को सिम कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको। और अभी हम इसको थोड़ा टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए हम लोग इसको अभी कवर कर लेंगे। और हमारा गैस को हम लोग सीम कर लेंगे। 5 मिनट हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं। मसाला से एकदम से तेल निकल आया है, तो हमारा मसाला एकदम से पक गया है। थोड़ा सा इसे ऐसे हम चलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे। देखिए कितना तेल निकल रहा है इसमें से। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। और इसको अच्छे से हम लोग चलाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे हमारा 2 टीस्पून शुगर। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे हमारा 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून विनेगर।
और 2 टीस्पून सॉल्ट डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और अभी हम गैस को थोड़ा सा मीडियम करेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसको सीम कर लेंगे हमारे गैस को, और इसको 10 मिनट के लिए हम लोग कैसे ही लीड लगा के छोड़ देंगे पकने के लिए। हो चुका है, चलिए चेक करते हैं। देखिए हमारा शेजवान सॉस एकदम रेडी है। अभी बस हम इसको ठंडा होने के बाद में जार या बोल में निकालेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और हमारा गैस जो है उसको ऑफ कर लेते हैं। देखिए बनके तैयार है हमारा शेजवान चिली सॉस। आप इसको चाइनीज़ का कोई भी डिश के लिए यूज़ कर सकते हैं और फ्रीज में 2 से 3 महीना रख सकते हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।